और साथ ही हमने फरियाल की दोस्त और उनकी रूममेट नगीन फैयाज को भी शो में दावत दी। हमने बहुत कोशिश की कि फरियाल के पेरेंट्स को भी अपने शो में बुला सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो आज के शो में हमारे साथ शामिल होंगी नगीन फैयाज। मैं बुलाती हूँ नगीन फैयाज। अस्सलाम वालेकुम नगीन। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। तशरीफ रखिए। तो नगीन बताइएगा कि आप भी उसी कंपनी में जॉब करती हैं, और ये सच है कि जो भी कुछ हुआ आपकी आंखों के सामने हुआ? मतलब क्या देखा आपने उस दिन? हम दोनों उस दिन साथ ही ड्यूटी पर गए थे और ये हादसा मेरी आंखों के सामने ही पेश आया। कौन था वो लड़का? मतलब क्या उसका कोई ताल्लुक था आपके दोस्त के साथ? पसंद करता था फरियाल को, अक्सर उसका पीछा भी करता था। फोन पे धमकियां भी देता था। जब उसे मालूम हुआ कि फरियाल की शादी होने वाली है तो ओहो, तो क्या वो शादी करना चाहता था फरियाल के साथ और उन दोनों के बीच कुछ इख्तलाफ था? देखिए, इन सारी बातों का आज के शो के मौजू से क्या ताल्लुक है? देखें मिस नगीन, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वो शख्स कौन था, उसका क्या ताल्लुक वास्ता था फरियाल के साथ, वो उससे शादी करना चाहता था या सिर्फ दोस्ती रखना चाहता था। इन सारी बातों को कुरेदने या दोहराने का क्या फायदा? नगीन आ रही है टीवी पे? कौन से चैनल पे? चैनल तो बताओ। एक मिनट ना। मेरा शो में आने का मकसद ये है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, कि जो वाकया पेश आया है, ऐसे वाकयात से घबरा कर डर कर अपनी बहू बेटियों को घर में ना बिठाएं, बल्कि उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, उनमें एतमाद पैदा करें, और वो तमाम माँ बाप जो सिर्फ अपनी बेटियों की तरबियत पे तवज्जो देते हैं, वो अपने बेटों की तरबियत पे भी तवज्जो दें। जो हादसा फरियाल के साथ पेश आया वो किसी के साथ भी पेश आ सकता है, आपके साथ पेश आ सकता है, किसी के साथ भी पेश आ सकता है। फरियाल सिर्फ अपने वालदैन की ही नहीं बल्कि पूरी कौम की बेटी थी। जो हादसा फरियाल के साथ पेश आया उसके बाद मुल्क की तमाम बेटियों को यकजा हो जाना चाहिए। अगर आज भी इस मुल्क का मीडिया और उसकी आवाम इस जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाए एक साथ, तो खवातीन पे होने वाले जुल्म के खिलाफ बहुत कमी आ सकती है। उसके लिए जरूरत है तो हम सबको एक होने की। बस ड्रामा लगा दो कुछ चैनल पर। इससे अच्छा ड्रामा और कौन सा होगा? चल तालियां पीट तू भी और मैं भी। यार कितना अच्छा बोलती है ना ये लड़की। और हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। इस शो ने तो पूरे मुल्क में धूम मचा दी है। हाँ यार, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा बोल लेती हूँ। थैंक यू। से एक बात तो माननी पड़ेगी, इतनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। क्या बोलती है यार, शो की एंकर की तो ना बोलती बंद कर दी उसने। और एक बात और बता दूं, क्या रेटिंग्स मिली होंगी इस शो को, फेमस हो गया तू। मैंने कहा था ना तुम्हें, जिस लड़की से मुझे मोहब्बत होगी वो कोई मामूली लड़की नहीं होगी।
किसी को चाहने के लिए सिर्फ खूबसूरती कोई मजबूत बुनियाद नहीं होती है। वो लड़की वाकई इस काबिल है कि उसे चाहा जाए, प्यार किया जाए। So finally you accepted कि तुझे उससे मोहब्बत है। यार वो तो शायद उसी वक्त हो गई थी जब मैंने पहली बार उसे देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया है। मेरी नजरें उसके चेहरे पर से हटी नहीं रही थी, लेकिन मुझे एक बात फील हुई थी उस वक्त में। मुझे लगा था कि उसका काम, उसकी ड्यूटी उसके कैलिबर की नहीं है। आई मीन उस लड़की में मुझे एक खास स्पार्क दिखा था जो मुझे किसी और लड़की में कभी नहीं दिखा। सो पर कब कर रहा है अपनी मोहब्बत का इजहार? यार इसके लिए उससे मिलना, उससे बात करना जरूरी है, लेकिन अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि अभी ये पॉसिबल होगा। वो गुस्से की बहुत तेज है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे अकेले मिलने आएगी। तो क्या करने का सोचा है? डायरेक्टली प्रपोजल सेंड करेगा? नहीं यार, पहले बात करूंगा उससे। मेरा मतलब है उसकी मर्जी जानना जरूरी है ना मेरे लिए। अच्छा तुझे क्या लगता है, वो मान जाएगी मेरे लिए? कैसे नहीं मानेगी यार, तुझ जैसे लड़के के बारे में तो उसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मगर तू टाइम जाया ना कर, कल ही उससे जाकर बात कर ले। वैसे तेरे घर वाले तो मान जाएंगे ना? कभी भी राजी नहीं होंगे। बीजान स्टेटस कॉन्शियस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बस हॉस्टेस के लिए उनको कन्विंस करना कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, और तुम्हें अंदाजा है ही कि उन्हें कन्विंस करना कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। और इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारा उससे इजहार मोहब्बत करना। आओ।